welcome to our second part of our second lesson. Now, in our last part we have studied that Neha was getting ready for her school. Neha ka first day tha school mein aur Neha ready ho rahi thi school ke liye. Aur uski mummy usse school leke jaane wali thi. To Neha ne bola tha mummy ko ki mummy maine mujhe bahut nervousness ho rahi hai. Mujhe bahut टेंशन हो रही है कि मेरा फर्स्ट डे कैसा होगा स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स मेरे टीचर्स कैसे होंगे स्कूल में. हमने यहाँ पे अपना लास्ट पार्ट खत्म किया था, तो अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि नेहा स्कूल में जाते ही उसने क्या किया. सो ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 16. नाउ आई विल रीड इट फॉर यू. But I don't know my teacher or what when my desk will be. I say, I don't know if I will like the other children or if they will play with me. अब नेहा उसकी मम्मी को क्या बोल रही है, नेहा स्कूल पहुंच गई है और मम्मी को बोल रही है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है. तभी में मेरी एकदम फनी वाली फीलिंग आ रही है, मुझे बहुत नर्वस हो रहा है, मुझे मैं स्कूल में जा रही हूँ, अब मेरे टीचर्स कैसे होंगे, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे. वो उसको टेंशन हो रही है कि मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, वो लोग खेलेंगे या नहीं मेरे साथ, सब अच्छे होंगे या नहीं, कहीं मेरे को परेशान किया तो वो बहुत टेंशन लेने लग गई. आई बिगन टू क्राई होल्डिंग मम्मी हैंड टाइटली. उसने मम्मी को पकड़ा जोर से और रोने लग गई. हम जब नर्सरी के बच्चे आते हैं पहले दिन स्कूल में तो कैसे रोते रोते आते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना स्कूल में, नहीं मुझे नहीं जाना. क्यों बोलते वो लोग ऐसे, क्योंकि उन्हें भी टेंशन होती है. आपका भी फर्स्ट डे स्कूल का ऐसे ही हुआ होगा. आप जब स्कूल में आए होंगे तो आप भी रोए हुए होंगे. आपको भी टेंशन होगी कि मेरे टीचर्स कैसे होंगे, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, खेलेंगे या नहीं मेरे साथ. आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. वैसे ही नेहा को भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो मम्मी को पकड़ के रोने लगी कि मेरे को नहीं जाना स्कूल, मेरे को नहीं मिलना कोई न्यू दोस्त है, मुझे नहीं देखना कोई टीचर को, मैं उनको घर लेके जाओ. तो नेहा वॉज क्राइंग. योर टीचर इज वेरी नाइस एंड सो आर द चिल्ड्रन, सेड मम्मी एंड शी गेव मी अ हग एंड किस. नाउ मम्मी उसे समझा रही है कि तुम्हारे टीचर भी बहुत अच्छी है, तुम्हारी क्लास भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे है. तुम जाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सब कैसे है. तुम्हें जाके देखना चाहिए, तुम्हें जाके सबसे मिलना चाहिए. यू शुड बीट एवरीवन, ऐसा मम्मी उसे बोल रही है, उसे समझा रही है. उसको मम्मी ने किस किया और हग किया कि रोटा नहीं है, तू बहुत गुड गर्ल है, क्यों रोटा है आपको, आपको स्कूल जाना है, न्यू चीजें सीख रही है, न्यू दोस्त बना रहे हैं, न्यू टीचर्स से मिल रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है, नई नई चीज सीख रही है, तो रोना क्यों है फिर. ऐसा मम्मी उसे समझा रही है. हमारा भी जब पहला दिन था स्कूल का तो मम्मी ने आपको भी समझाया होगा कि आपको नई चीजें सीखनी है, नए टीचर्स से मिलना है, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, तो रोना क्यों है फिर स्कूल जाने में, क्यों इतने नाटक कर रहे स्कूल जाने में. ऐसा मम्मी उसे समझा रही है. I look inside my classroom. Some children were already sitting inside. No one was crying. अब नेहा ने क्या किया, पहले उसने देख लिया जाके कि क्लासरूम पे सब बैठे हुए करके कोई बात कर रहा है कि नहीं, सब शांति से बैठे हुए हैं और कोई भी बच्चा रो नहीं रहा है, सब मस्ती कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी को भी कोई टेंशन नहीं है, तो मैं क्यों रो रही हूँ फिर एकदम, मैं अकेली क्यों रो रही हूँ. वो सबको देखने लगी और शांत हो गए. आई स्टूड देयर फॉर अ व्हाइल. आई स्टूड देयर मतलब वो वहां पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई और सबको नोटिस करने लगी कि कैसे मेरे क्लास में सब शांति से बैठे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं ही सिर्फ रो रही हूँ. तो उसका भी रोना बंद हो गया. द टीचर स्माइल एट मी, आई लाइक हर. अब टीचर ने उसको स्माइल दिया और उसको बोला कब देहा, तो उसको पसंद आया, नेहा को वो अच्छा लगा कि टीचर ने उसकी तरफ स्माइल दी, तो उसको वो टीचर अच्छी लगी. आई वेव गुड बाय टू मम्मी एंड वॉक्ड इनसाइड द क्लासरूम विद अ स्माइल. अब वेव मीन्स उसने अपना हाथ हिलाया कि बाय बाय.
चली गई नेहा. दिस इज नेहा, द टीचर टोल्ड द क्लास. शी शोड मी वेयर आई हैड टू सिट. अब जब वो क्लास में गए तो टीचर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया. जब हम न्यू क्लास में जाते हैं तो टीचर कैसे बताती है कि ये स्टूडेंट है, ये पूरी क्लास को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये स्टूडेंट का नाम है नेहा और सबको उससे मिलवाती है. फिर उसको बोलती है कि यू शुड बी नाइस टू हर, यू शुड बी फ्रेंडली टू हर. आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना है, आपको सबको उसके साथ अच्छे से बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है. आपको भी टीचर ने क्लास में बोला होगा कि आपके न्यू फ्रेंड बनेंगे तो आपको उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है. फिर टीचर ने क्या किया, उसको अपनी जगह बताई कि कहाँ पे बैठता है. हमें भी अपनी टीचर्स अपनी प्लेस बताते हैं, आपको ये जगह पे बैठता है, आपकी क्लास का यही जगह रहेगी करके. तो वैसे ही नेहा को भी उसकी जगह बताई. बॉबी वॉज राइट, एवरीवन वॉज नाइस टू मी, आई मेड वेरी न्यू फ्रेंड्स, द टीचर वॉज वेरी नाइस टू. अब नेहा क्या बोल रही है कि बॉबी राइट बोल रही थी, बॉबी सही बोल रही थी. एवरीवन वॉज नाइस टू मी, सब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे, सब बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे. टीचर ने भी मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया, टीचर भी बहुत अच्छा समझा रही है, टीचर ने भी बहुत अच्छे से बात की मुझसे, सब यहाँ पे बहुत अच्छे है. मैं ऐसे ही नेचर ले रही थी, ऐसे ही रो रही थी, सब तो बहुत अच्छे है यहाँ पे, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. मैंने न्यू फ्रेंड्स भी बनाए, यहाँ पे बोल रही है आई हैव मेड न्यू फ्रेंड्स. व्हेन द स्कूल एंडेड बॉबी वॉज एट द गेट. I told Bobby about my new friends. Now, अब नेहा की स्कूल खत्म हो गई तो उसके बॉबी उसको लेने आए कि हमारी भी स्कूल खत्म होती है तो कैसे हमारे पेरेंट्स हमें लेने आते हैं, हमें स्कूल ड्रॉप करके आते हैं, फिर लेके आते हैं हमें स्कूल से. तो वैसे ही नेहा की बॉबी भी उसे स्कूल से लेके आई. फिर नेहा ने क्या किया, उसके जो न्यू फ्रेंड्स उसके स्कूल के अंदर बनाए थे उसने अपनी बॉबी को इंट्रोड्यूस करवाया. ये देखो ये मेरे फ्रेंड्स है, इसका नाम शीतल है. सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाया, एक एक का नाम बताया बॉबी को कि मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए. आई टोल्ड हर हाउ वी प्लेड एंड हेल्प ईच अदर इन क्लास. उसने भी बॉबी को बताया कि कैसे मैंने क्लास में खेला उनके साथ, कैसे मैंने बातें की उनके साथ, फिर मैंने क्या पढ़ाई किया. हम भी जब स्कूल जाते हैं तो मम्मी को बोलते हैं कि आज मुझे ये होमवर्क मिला है, आज मैंने ये स्टडी किया है, ये आज टीचर ने मुझे ये सिखाया, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे ये हेल्प की. तो वैसे ही नेहा भी अपनी बॉबी को डिटेल बता रही है कि मैंने अपनी स्कूल में ये किया, मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया. आई वॉज हैप्पी नाउ एट दैट फनी फीलिंग इन माय टमी, इट इज नॉट देयर एनीमोर. अब वो क्या बोल रही है नेहा, आई वॉज हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ. अब वो जो फनी फीलिंग थी मेरे पेट पे, जो नर्वसनेस थी, जो गुड़गुड़ हो रही थी उसके पेट के अंदर जब वो स्कूल के अंदर आई थी, तो अब वो फीलिंग नहीं है मेरे स्टमक में. अब मैं खुशी से स्कूल जाती हूँ, रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, टीचर से अच्छे से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करती हूँ, फिर वो भी मेरी हेल्प करते हैं, उनके साथ खेलती हूँ, बहुत सही करती हूँ, ऐसा नेहा हमें बता रही है. ये था नेहा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आपको याद है स्टूडेंट्स, हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट स्कूल. आपको फोर लाइन्स लिखनी है अपने स्कूल के बारे में कि आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था आपकी इंग्लिश की नोटबुक में. अब हम नेक्स्ट इसमें आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, हार्ड वर्क कंप्लीट करने हैं.